बांग्लादेश में आगजनी और भीषण हिंसा हो रही है। हालात बेकाबू हो चुके हैं। देशव्यापी कर्फ्यू को दरकिनार करते हुए प्रदर्शनकारी सोमवार को बांग्लादेश के कई इलाकों में मार्च के लिए इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की लगातार मांग कर रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच झड़पें शुरू हुई, जिसने देखते ही देखते भीषण हिंसा का रूप ले लिया। माना जा रहा है कि बीते दिनों बांग्लादेश सरकार की ओर से कट्टरपंथी दल जमात ए इस्लामी पर लगाए गए बैन के कारण ही छात्रों का यह पूरा प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो गए कि उन्होंने सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले तक कर दिया और पीएम हाउस के भीतर घुस गए। वीडियो में प्रदर्शनकारियों को पीएम हाउस के भीतर घुसकर मौज मस्ती करते हुए आप साफ देख सकते हैं। कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं कुछ साल पहले श्रीलंका से जो सामने आई। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीब की मूर्ति पर चढ़कर हथौड़ा चलाते भी देखा गया। दरअसल शेख हसीना सरकार ने हाल ही में जमात इस्लामी, इसकी छात्र शाखा और इससे जुड़े अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। यह कदम बांग्लादेश में कई सप्ताह तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद उठाया गया। कहा जा रहा है कि सरकार की इस कार्रवाई के बाद ये संगठन शेख हसीना सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आया। सरकार ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत जमात इस्लामी पर बैन लगाते हुए कट्टरपंथी पार्टी पर आंदोलन का फायदा उठाने और लोगों को हिंसा के लिए बरगलाने का आरोप लगाया था। जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेतृत्व वाले 14 पार्टियों के गठबंधन की मीटिंग में लिया गया था। इस मीटिंग के दौरान कथित रूप से सहयोगी पार्टियों ने भी कट्टर पार्टी पर बैन लगाने की अपील की। अब जानते हैं कि जमात इस्लामी क्या है। जमात इस्लामी एक राजनीतिक पार्टी है जिसे बांग्लादेश में कट्टरपंथी माना जाता है। यह राजनीतिक पार्टी पूर्व पीएम खालिदा जिया की समर्थक पार्टियों में शामिल है। जमात पर प्रतिबंध लगाने का हाल ये निर्णय 1972 में राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म का दुरुपयोग के लिए प्रारंभिक प्रतिबंध के 50 साल बाद लिया गया। जमात इस्लामी की स्थापना 1941 में ब्रिटिश शासन के तहत अविभाजित भारत में हुई। 2018 में बांग्लादेश हाईकोर्ट के फैसले का पालन करते हुए चुनाव आयोग ने जमात का पंजीकरण रद्द कर दिया था और इसके बाद जमात चुनाव लड़ने से अयोग्य हो गई। बता दें कि जमात इस्लामी का बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमला करने में भी नाम आता रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि जमात इस्लामी और छात्र शिविर लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाते रहे हैं। बांग्लादेश में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों का आकलन है कि साल 2013 से 2022 तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर 3600 हमले हुए। इसमें जमात इस्लामी का कई घटनाओं में रोल रहा। फिलहाल हालात ये हैं कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया और ढाका छोड़ दिया। हिंसा के बीच बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज्जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपकी सारी मांगें पूरी की जाएंगी।